टू माय चैनल पूजा क्रिएशन ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स देखिए, शादियों का सीजन चालू हो चुका है। शादियों का सीजन चालू हो चुका है मतलब कि सबको कहीं ना कहीं शादी में जरूर जाना होगा। शादी का कोई ना कोई फंक्शन आपको भी अटेंड करना होगा, और अगर शादी का फंक्शन अटेंड करना है तो विदाउट मेकअप तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। तो चलिए आज हम लोग मेकअप तो करेंगे लेकिन विदाउट फाउंडेशन, और वो भी एक नए तरीके से और कम सामान के साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेकअप कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं मेकअप, ऐसा मेकअप जो आप किसी भी फंक्शन में आराम से करके जा सकते हो, वो भी बिना फाउंडेशन के। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं बिना फाउंडेशन वाला मेकअप। मेकअप करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को जो भी कुछ हो प्रोडक्ट वो हटा लेते हैं। और अगर आप अपने मेकअप को ज़्यादा देर चाहते हो कि आपका मेकअप ज़्यादा टाइम तक आपके फेस पे टिका रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, आइस का छोटा सा टुकड़ा लो और उससे अपने फेस पे पूरे अच्छे तरीके से मसाज कर लो। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और ये एक तरह का बहुत अच्छा ट्रिक है अगर आपको अपने फेस के मेकअप को ज़्यादा टाइम तक टिकाना है। तो चलिए फटाफट से इसे करते हैं। आप इसे चाहो तो एक बाउल में पानी लेके नॉर्मल आप आइस के थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में क्यूब्स डाल दो और उसमें आप अपने फेस को डिप कर लो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर पे करते रहो। 5 से 6 मिनट तक आप ऐसे करते रहो, आपका फेस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और मेकअप के लिए तो खैर बेस्ट है। क्या होता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को कुछ देर तक के लिए मेकअप टिका होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सबके पास मेकअप फिक्सर हो स्प्रे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग को भी करना होगा ना। मैंने आइस से अच्छे से अपने मुंह पे पूरा मसाज कर लिया है, अब मैं इसे हल्के हाथ से पोंछ लूंगी। सॉफ्ट कपड़े से कभी भी फेस को रगड़ के मत पोंछिए, पोंछना है तो सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करिए और उसे डब डब करके पोंछिए। आप रगड़ के स्किन अपनी अगर पोंछोगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी डैमेज होगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो आप उसे सॉफ्ट तरीके से पोंछो। इसके बाद हम यूज करेंगे डाबर का गुलाब जल, ठीक है। आप नॉर्मली इसे अपने हाथ पे लो और इसे अपने फेस पे लगा लो ऐसे, और इसे आप पोछो मत, इसे आप अपने आप से सूखने दो, ठीक है। ये अच्छे से आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इस पे लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मेरे पास ये है, ये मैंने इसका आपको वीडियो बनाया था, मेरे पहले के वीडियो हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। और जब मैंने बताया था ये इस क्रीम के बारे में, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे कैसे यूज करना है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, कभी भी आप अपने हथेली पे क्रीम को लेके पूरी तरह से मत रगड़ के लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि सारी क्रीम आपके हथेली पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप नॉर्मली अपने फिंगर पे लो और ऐसे ऐसे डॉट बना लो, इससे पूरे फेस पे आपके क्रीम अच्छे से लग जाएगी। और ये सबके लिए है, इसी तरह से सबको क्रीम लगानी चाहिए। आप क्रीम को पहले अच्छे तरीके से अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब करवा दो, जब पूरी स्किन पूरी क्रीम देखिए एब्जॉर्ब हो चुकी है, तब इसे हल्का सा मसाज दीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है और बहुत ज्यादा आपकी स्किन पे ऑयल आता है, तो आपके पास अगर कोई पाउडर हो फेस पाउडर, तो आप
वो यूज़ करिए। ऑयली स्किन नहीं है तो आपको फिर कोई भी फेस पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं आई मेकअप। ये देखिए, मैंने हल्का सा येलो कलर लिया है, पिंक कलर लूंगी। इसमें थोड़ा सा रेड का शेड डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम अपने दूसरे आंख का भी आई मेकअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे लाइनर। मैं लाइनर यूज कर रही हूँ लैक्मे का। ये देखिए, मैंने एक आंख में लाइनर लगा लिया है, अब मैं दूसरे में भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों आंख में लाइनर लगा लिया है। फ्रेंड्स देखा ना, मेरा आई शेडो और मेरा आई लाइनर कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं लग रहा है, लाइट मेकअप है। और लाइनर मैंने बहुत पतला लगाया है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ काजल। काजल मैं लगाऊंगी मैबलिन का। आप लाइनर लो और नीचे लगा लो, देखो कैसे जो आपकी नीचे की लैशेस हैं, आप उसके नीचे से इसके ब्रश को डाल के लगाओ। इससे आपका लाइनर और काजल दोनों काफी टाइम तक टिका रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफी देर तक टिकने वाला है। मस्कारा मैं मैबलिन का यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब बारी है लिपस्टिक की। देखिए, हमारे पास शेड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग लगाते लगाते बोर हो जाते हैं, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो आज आज मैं दो लिपस्टिक से एक नया कलर बनाऊंगी। तो ये है मिस रोज का, ये मैंने लिया था मीशो से। तो चलिए सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेते हैं। थोड़ी चौड़ी आउटलाइन करेंगे। मेरे लिप्स हैं बहुत ड्राई, तो मैं पहले ये गुड वाइब्स का लिप बाम लगाऊंगी। ठीक है, ये जो आपके आउटलाइन है, इसे थोड़ा सा अपने मिक्स कर लीजिए लिप्स पे। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी मिस रोज का ये लिप कलर। ठीक है, इसे पूरे लिप्स पे नहीं, बस ये देखिए इधर। फ्रेंड्स, मैंने ये दो लिपस्टिक ली थी, एक डार्क एक न्यू। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया, ना डार्क ना नॉर्मल कलर, न्यूट कलर। तो ये देखिए, अब मैं अपने फिंगर से ही हाइलाइटर यूज करूंगी। आप चाहो तो ब्रश का यूज कर सकते हो, पर मैं आज फिंगर से यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हाइलाइटर से ही फेस पे कितना ग्लो आ गया। देखिए मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। और अगर आप बिंदी लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, मुझे तो बिंदी बहुत पसंद है।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा मेकअप? और सबसे बड़ी बात, मैंने ये पूरा मेकअप किया है पंखा कूलर एसी बंद करके, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आइस से अपने फेस पे मसाज देने के बाद आपका मेकअप कैसे अच्छे से टिका रहता है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आइस से मसाज दिया, उसके बाद मैंने सारा मेकअप पंखा कूलर एसी कुछ भी नहीं ऑन किया है। उसके बाद भी देखिए मेरा मेकअप अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपका मेकअप इसी तरह से टिका रहे, इसलिए आप भी अपने फेस पे आइस मसाज जरूर दीजिए, उसके बाद आप मेकअप करिए। अगर आप लोग को मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।